व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कनेर यानी ओलियंडर के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है, इसकी केयर किस तरह से की जाती है ना। हम यहाँ बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा पॉट यूज़ करना चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, वाइट फ्लावर का प्लांट है, ये ओलियंडर का प्लांट है। देखिए कितना अच्छा शानदार इसके फ्लावर्स आते हैं, है ना। ये मेरा एक्चुअली एक नेग्लेक्टेड प्लांट था, हमने ना इसकी प्रूनिंग की थी ना कुछ की थी, लेकिन फिर भी ये ग्रो हो गया। देखिए इसमें ये जो फल्ली है, ये बीन्स है, एक लंबी सी फल्ली है, इसमें बीज होते हैं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती है तब इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, और सूखने के बाद ये इस तरह से दिखाई देती है। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और अपने आप खुल जाती है, और बीज चाहे तो ये नीचे गिर जाते हैं और फिर से एक नया प्लांट बन जाता है ना। ऐसा बोला जाता है कि जब इसमें प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो ये फल्ली या बीज नहीं होते, और बीज होते हैं तो फल्ली नहीं होती। लेकिन देखिए ये एक और फल्ली है, देखिए ये एक और है, ये वहाँ थी और ये इधर है। लेकिन अभी आपने देखा कि हमारे इस प्लांट में यहाँ फल्ली भी है और उसके साथ साथ यहाँ फ्लावरिंग भी आराम से हो रही है ना। ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इस प्लांट को, और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट से ऊपर तक का इसकी जा रही है। देखिए कितनी लंबी इसकी ब्रांचेज ऊपर तक का गई हुई है ना। और इसके ये समर प्लांट होता है एक्चुअली, और इसमें समर में ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होती है। देखिए इसका जो तना है कितना मोटा और हार्ड हो गया है, ये देखिए है ना, ये देखिए इसमें ऊपर से नीचे तक का आप देख लेंगे कितना मोटा प्लांट हो गया है, और इसकी हाइट है देखिए, है ना। इसके लिए जब हम मिट्टी यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो गार्डन सॉइल में, सिंपल गार्डन सॉइल में ये आराम से उग जाता है। देखिए इसका तना कितना मोटा और हार्ड हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्लांट हो गया है ना। जब हम मिट्टी यूज़ करते हैं तो गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं इसे ग्रो करने के लिए, या तो हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं, या बीज के ज़रिए भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ नर्सरी से लेकर आया था, ये 30 या 40 रुपये का कुछ एक प्लांट था, और उसी से मैंने इसे ग्रो कर दिया था, है ना। अब बात करते हैं इसे पानी कितना देना चाहिए, तो ये हम इसे सिर्फ एक ही टाइम पानी दें तब भी आराम से ग्रो हो जाता है। सनलाइट की बात करें तो हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, और जब इसे अच्छी रोशनी मिलेगी तो ये अच्छी तरह से फलता फूलता है ना। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट की खाद या फिर किचन वेस्ट की खाद इसके अंदर यूज़ करना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से ग्रो होता है, फ्लावरिंग होती है, बीज भी आ जाते हैं, सीड्स भी आ जाते हैं, और ये अच्छी तरह से ग्रो होने लग जाता है। ये देखिए इसके अंदर, देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर ये एक फल्ली आई है, और इसके अंदर जो बीज है वो बीज हम अगले प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी अगर आपको प्लांट की ज़रूरत नहीं है तो हम किसी को दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फ्लावरिंग भी है, वाइट कलर के गुच्छे हैं, कितने खूबसूरत इसमें फूल आते हैं। कनेर का जो ओलियंडर का जो प्लांट होता है, ये 3-4 किस्म का होता है, एक रेड, ऑरेंज, वाइट, येलो, इस तरह से इसमें 3-4 किस्म के। देखिए जो जो हमारी इसकी देखो आप लीव्स देख रही है, लीव्स में मिली बग्स ने अटैक कर दिया है, तो देखो इसके अंदर हमें ये थोड़ा जो पत्तों पे जो दाग आ गए हैं ये हमें इसे दूर करना होगा। इसके लिए हमें किसी पेस्टिसाइड का या जो लिक्विड फर्टिलाइजर लिक्विड होता है पेस्टिसाइड, उसका हम स्प्रे करेंगे तो ये चले जाएंगी, है ना। और ये देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया है। हालांकि देखा जाए तो ये खुद एक इंसेक्टिसाइड होता है, यानी अगर हम कनेर के पत्तों का जूस निकाल कर स्प्रे दूसरे पौधों पर करें तो दूसरे पौधों पे अगर जो पेस्टिसाइड है, जो पेस्ट लगी हुई है, मिली बग्स है या दूसरी फंगस, वाइट फंगस अगर उसके ऊपर आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ पर देखेंगे हम तो इसके पत्ते खुद ही ख़राब हो गए हैं, है ना। देखिए कितना लंबा ये हमारा ये प्लांट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये नेग्लेक्टेड प्लांट है, इसमें थोड़ी सी गलती ये हुई, हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की। तो देखिए किस तरह से आड़े तिरछे जहाँ इसका मन किया ये उधर ग्रो होता गया, है ना, किधर भी जहाँ इसका दिल चाहा उधर ही आगे पीछे हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करना है, अभी रेनी सीज़न है, इसके अंदर अभी हम अभी जून का मंथ चालू है, अगर हम इसकी अच्छी तरह से प्रूनिंग करेंगे तो ये देख प्रूनिंग होने के बाद इसका फ्रंट लुक बहुत ही शानदार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। देख कितने प्यारे प्यारे गुच्छे में इसके फ्लावर्स आते हैं। ये मेरे पास वाइट कलर का है, पिंक कलर का भी मेरा कनेर का जो प्लांट था उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली हूँ, अगर आपको उस बारे में जानकारी लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, है ना। तो ये देखिए
अगर आपको कनेर का प्लांट ग्रो करना है तो आप उसमें चाहे तो आप इसके बीजों से भी कर सकते हैं, रोड साइड पे अगर इसके प्लांट लगा है या झाड़ लगा है तो आप वहाँ रोड साइड पे आपको इसके प्लांट के सीड्स बहुत सारे ज़मीन पे पड़े हुए मिल जाते हैं, आप चाहे तो उससे ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं, है ना, या कलम या कटिंग से भी कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।